नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूँ लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक्सिस डायरेक्ट का अकाउंट ओपन होने के बाद आपको 2 या 3 वर्किंग डे टाइम वेट करना होगा। वेट करने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपको ये मेल आने वाला है। यहाँ पे एक्सिस डायरेक्ट का अकाउंट नंबर जो है ये रहा आपका, एक्सिस बैंक का कस्टमर आईडी जो है यहाँ पे ये रहा आपका। तो एक्सिस बैंक का जो है आपका अकाउंट ऑलरेडी कस्टमर आईडी जनरेट हो चुका है। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो इस कस्टमर आईडी से आप बैंक में जाना, डॉक्यूमेंट प्रूफ आप सबमिट करना और आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ऑलरेडी जो है ये काम कर दिया है, क्योंकि एक्सिस डायरेक्ट और एक्सिस बैंक अकाउंट है आपका, तो आपको पैसे ट्रांसफर करने में और ट्रांजेक्शन जो भी होगा उसमें स्मूथनेस चली आएगी। यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर आपका एक्टिवेट नहीं हुआ, आपको बैंक में जाना पड़ेगा। यहाँ पे डीपी अकाउंट नंबर आपका ये रहा, तो डिफॉल्ट है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आप देख लो, स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑनलाइन का ऑप्शन है, आपको यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे क्रिएट योर यूजर नेम पे क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पैन नंबर पूछेगा आपसे और यहाँ पे एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड नंबर पूछेगा। लेकिन आपके पास एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड नंबर फिलहाल अभी नहीं है, क्योंकि मैंने कोटक बैंक से अकाउंट ओपन किया है। तो यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना। जो भी पैन कार्ड है, पैन नंबर है, वो कैपिटल लेटर में पुट कर दो और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। आप जैसे ही क्लिक करोगे, एक ओटीपी क्या होगा आपके मोबाइल नंबर पे, जो एक्सिस डायरेक्ट में आपका रजिस्टर्ड किया हुआ है, वो ओटीपी पुट कर दो, कैप्चा पुट कर दो और सबमिट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दो। दोस्तों, यहाँ पे देखो, आपको यूजर नेम क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, तो यूजर नेम क्रिएट कर लेना, पासवर्ड क्रिएट कर लेना, वही पासवर्ड फिर से आप पुट कर देना, कंफर्म कर देना और कैप्चा पुट करने का प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर देना। देखो, यहाँ पे यूजर नेम बोल रहा है ऑलरेडी अवेलेबल है, सिंपल है। अगर आपका यूजर नेम अवेलेबल है तो दोस्तों आप चेंज कर दो। यूजर नेम चेंज करने का फिर से प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करो। आप यहाँ पे आप देख लो, विल बी सेंडिंग ए वेरिफिकेशन लिंक टू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, तो यहाँ पे आप सेंड यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। आपका जो यूजर नेम है वो सक्सेसफुली और पासवर्ड क्रिएट हो चुका है, तो यहाँ पे सेंड यस टू सेंड पे के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक करोगे, एक आपको एक्टिवेशन लिंक जो है आपके मेल आईडी पे गया होगा, उसको आपको ओपन करना है। तो मैं यहां ओपन कर लेता हूं मेल आईडी अपना। दोस्तों, यहां पे देखो, आपको एक्सिस डायरेक्ट की तरफ से आपको लिंक आया होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर अकाउंट इज सेटअप, यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन आ रहा है आपको अकाउंट वेरीफाई करने के लिए, क्लिक हेयर का ऑप्शन पे आप क्लिक करना। यहाँ पे देखो, यू हैव सक्सेसफुली एक्टिवेटेड योर अकाउंट। तो अगर आपका एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर नहीं है, बैंक अकाउंट नंबर, तो ऐसे करके जो है आप अपने एक्सिस डायरेक्ट के ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हो। अब लॉगिन कैसे करते हैं, आप गूगल पे जो है एक्सिस डायरेक्ट लॉगिन आप सर्च करें, जो भी आपको पहला ऑप्शन दिखेगा उसको आपको ओपन करना है, एक्सिस डायरेक्ट लॉगिन को, इसको आप ओपन कर लो। जो भी आपका यूजर नेम आपने सेट किया हुआ, वो यूजर नेम आप पुट कर दो जो अभी आपने सेट किया हुआ है। पासवर्ड जो आपने पुट किया हुआ न्यू वाला, वो आप पुट कर दो। डेट ऑफ बर्थ DD MM YY YY फॉर्मेट में पुट कर दो और लॉगिन के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दो। यहाँ पे देखो, आपको टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, यहाँ पे आप क्लिक करना और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। दोस्तों, यहाँ पे देखो, आपको ये एक्सिस डायरेक्ट का जो है डैशबोर्ड है, सिंपल है। अगर आपका मोबाइल है तो गूगल क्रोम को आप डेस्कटॉप मोड में ओपन करना। सेम प्रोसीजर जो है पहले पासवर्ड सेट करने का, लॉगिन करने का पूरा कर लेना। आपको फंड कैसे ऐड करना, सबसे पहले वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखो, गो टू स्विफ्ट ट्रेड है, यहाँ पे आप क्लिक करना, या फिर यहाँ पे आपको स्विफ्ट ट्रेड दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। ये वाले प्लेटफॉर्म से आप फंड ऐड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपको ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे तो ये प्लेटफॉर्म आपको आने वाला है। तो यहाँ पे स्विफ्ट ट्रेड है, या फिर यहाँ से आप जा सकते हो, तो इस पे आप क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये आपको जो है ओपन होने वाला है प्लेटफॉर्म। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, सिंपल बता देता हूँ कैसे करना नहीं करना है। आप जो है गूगल क्रोम को डेस्कटॉप मोड में ओपन करके मोबाइल से भी सेम कर सकते हो। तो यहाँ पे लिमिट्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करो। यहाँ पे देखो, फंड होल्ड रिलीज दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको पैसे ऐड करने हैं। मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आपको कोटक महिंद्रा बैंक सब कुछ दिख रहा है, जो बैंक अकाउंट है आपका। अगर एक्सिस बैंक होगा तो डायरेक्टली आप फंड होल्ड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक है, तो आपको जो है न्यू आपका यूजर आईडी पासवर्ड पुट करना पड़ेगा कोटक महिंद्रा बैंक का और पेमेंट डन करना पड़ेगा। तो मैं गो के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। जो भी आपको फंड ऐड करना है, यहाँ पे अमाउंट पुट कर सकते हो और होल्ड का ऑप्शन दिख रहा है आपको, होल्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना। कोटक महिंद्रा बैंक का कस्टमर आईडी और पासवर्ड पुट करो और सिक्योर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करो और पेमेंट कर दो। दोस्तों, यहाँ पे कंफर्म कर दो, पेमेंट आपका हो जाएगा। देखो, पेमेंट सक्सेसफुल आपका हो चुका है, फंड ट्रांसफर सक्सेसफुल हो चुका है। आप यहाँ पे ओके के ऑप्शन पे क्लिक करो। इसके बाद जो है दोस्तों, यहाँ पे कैंसिल कर देना इसको और यहाँ पे चेक करना आपका फंड जो है ऐड हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे लिमिट्स पे चले आओ, कैश लिमिट पे क्लिक करना। कैश लिमिट पे आप देख लो, यहाँ पे फंड आपका जो है अवेलेबल लिमिट जो है आपका 500 रुपीज दिख रहा है। तो सिंपल है, जो भी आप फंड ऐड करोगे, यहाँ पे टोटल लिमिट जो है आपको, जो भी अपने फंड ऐड किया होगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये जो है आपने फंड ऐड कर लिया है अपने एक्सिस डायरेक्ट आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट में। इसके बाद दोस्तों, आपको फर्स्ट ट्रेड प्लेस करना है तो मार्केट वॉच पे, या फिर आप जो है इस पे चले आओ, होम पे चले आओ। होम पे आओगे तो यहाँ पे आपको सारे के सारे जो है आपको दिखने वाले हैं स्टॉक्स। यहाँ पे आपको स्टॉक्स ऐड करना है तो ऐड सिक्योरिटी पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे, BSE NSE दो एक्सचेंज है इंडिया में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आप किसी पे भी बाई सेल कर सकते हो। मैंने क्लिक कर दिया, इक्विटी करना है, जो भी करना है आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। जो भी आपका सिंबल है, मान लो मुझे ऐड करना है
MAFSETF जो है मुझे ऐड करना है। तो मेरा एसेट फाइनेंशियल सर्विस ETF आ चुका है, इसको मैंने ऐड किया और यहाँ पे ऐड के ऑप्शन में मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखो MAFSETF जो है ऐड हो चुका है और यहाँ पे आपको देखो सिप करना सिप कर सकते हो, प्लस मतलब बाई, माइनस मतलब सेल। तो मैं प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, इक्विटी बाई, कैश, कैश में ही बाई करना है मुझे, इंट्राडे नहीं करना, इंट्राडे मतलब होता है सेम डे, कवर ऑर्डर मुझे नहीं करना, कवर ऑर्डर मतलब स्टॉप लॉस टारगेट दोनों आप लगा सकते हो, ई मार्जिन मतलब थोड़े पैसे आपके, थोड़े पैसे ब्रोकर के, आप जो है उस मार्जिन पे इंटरेस्ट पे करो और कुछ टाइम तक आप उसको होल्ड कर सकते हो। कैश मतलब होता है लॉन्ग टर्म, पूरे पैसे पे करो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। एनएससी बीएससी दो एक्सचेंज है तो कोई भी चूज कर सकते हो। अगर आपको ईटीएफ करना है तो एनएससी मेन चूज करो। इक्विटी आपका रहेगा, यहाँ पे प्राइस दिख रहा है आपको, क्वांटिटी जो भी प्लेस करना है क्वांटिटी प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्वांटिटी पूछ रहा है तो क्वांटिटी आपको जो भी बाय करना प्लेस कर देना, डिस्क्लोज क्वांटिटी कुछ नहीं करना आपको, लिमिट है मार्केट है, लिमिट मतलब आपको किस प्राइस पे बाय करना है, 18.11 चल रहा है और मान लो आपको 18.10 पे बाय करना है तो आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो 18.10 का, मुझे मार्केट में ही बाय करना है तो वैसे आप जो है क्या बोलते हैं ETF को लिमिट में बाय करना, मैं मार्केट में बाय कर लेता हूँ, मार्केट में बाय किया मैंने, यहाँ पे देखो प्राइस मार्केट आ गया है, टिकर प्राइस नहीं कुछ डालना, ऑर्डर वैल्यू जो है आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ पे आपको प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे डे ही रखना है, IOC मतलब होता है इमीडिएट ऑर्डर कैंसिल, डे ही रखो, प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करो, यहाँ पे देखो सब कुछ दिख जाएगा, MAFSETF क्वांटिटी दिख रहा है आपको, सब कुछ दिख रहा है, कंफर्म ऑर्डर दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करना, आपका ऑर्डर देखो बाय स्टेटस, आपका मार्केट जो है सेंड टू एक्सचेंज, आपका इंटरनल ऑर्डर रेफरेंस नंबर ये रहा आपका, तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिख गया है। ऑर्डर बुक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करो, यहाँ पे आओगे ऑर्डर बुक पे तो देखो आपको MAFSETF जो भी क्वांटिटी आपने बाय किया था एग्जीक्यूटेड हो चुका है, तो यहाँ पे आपने ऑर्डर जो है फर्स्ट ट्रेड आपने प्लेस कर दिया। यहाँ पे आप देखो पेंडिंग में जो भी आपका ऑर्डर पेंडिंग में होगा वो दिखने वाला है कि ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में जो भी आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया होगा एक्सचेंज पे क्लिक कर देना, इक्विटी पे क्लिक करना, सब कुछ यही रहेगा, गो पे क्लिक करना, आपको ऑर्डर दिखने वाला है, ऑल ऑर्डर्स में वही रहने वाला है सब कुछ। यहाँ पे आप एक्सचेंज इक्विटी सेगमेंट इक्विटी चेक कर लेना, गो के ऑप्शन पे क्लिक करो, सब ऑर्डर यहाँ पे चले आएंगे आपको। तो देख लिया आपने, प्लेस ऑर्डर करना तो यहाँ से भी प्लेस कर सकते हो, IPO, OFS, बॉन्ड्स, NCD, FD, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आपको प्लेस करना ऑर्डर तो यहाँ से आप प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे ऑर्डर बुक पे आके सब ऑर्डर आप देख सकते हो, ट्रेड बुक पे चले आना, ट्रेड बुक पे इक्विटी पे चले आना, जो भी आपका ट्रेड हुआ होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर मान लो इंट्राडे में आपने बाय किया है, आपको कन्वर्ट करना डिलीवरी में, तो यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हो प्रोडक्ट को, तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। टुडे पोजीशंस में देखो, ओपन पोजीशंस में क्या क्या है आपका, अगर आपने इंट्राडे किया होगा या फिर ई मार्जिन किया होगा तो यहाँ पे आपको ओपन पोजीशन में, टुडे ओपन पोजीशन में, ओपन पोजीशन में जो है आपको यहाँ पे दिखने वाला है। नेट पोजीशन में जो भी आपने बाय सेल किया होगा उसका प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ पे दिखने वाला है, मार्क टू मार्केट में कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, ये भी चीज समझ गए, तो ये भी आप देख सकते हो। कवर पोजीशन आपको यहाँ दिखने वाला है, लिमिट पे चले आओ, कैश लिमिट पे चले आओ, कैश लिमिट देख लो आपको 313.90 अभी जो है फिलहाल अभी बच रहा है। तो सिंपल है, जो भी आपने यूटिलाइज किया है वो आपको इक्विटी कैश में कितना यूटिलाइज किया वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है क्या है नहीं है। होल्डिंग्स में जो भी आपके स्टॉक्स होंगे डीमेट अकाउंट में वो दिखने वाले हैं, म्यूचुअल फंड्स में यूनिट्स जितने होंगे वो दिखने वाले हैं, पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना होगा वो आपको दिखने वाला है। अगर मान लो बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर से लॉग इन करना, स्विफ्ट ट्रेड पे आना, सब कुछ आपको यही रहने वाला है। होल्डिंग्स रिपोर्ट्स आपको जो भी फंड ट्रांसफर करना है यहाँ पे आपको फंड ट्रांसफर का यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो भी आपने फंड ट्रांसफर किया होगा सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है, और रिपोर्ट्स में क्या है आपका हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हो, स्टेटमेंट आप यहाँ से देख सकते हो, हिस्ट्री स्टेटमेंट लेना तो यहाँ से देख सकते हो आप, सब कुछ देख लेना, सब कुछ सेम रहेगा आपको। फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ, मान लो मुझे फिर से एक स्टॉक और ऐड करना है तो ऐड सिक्योरिटी पे क्लिक किया, BSE पे क्लिक किया, कोई भी आप चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ITC यहाँ पे दिख रहा है, क्लिक किया, ऐड किया, यहाँ पे ITC आ चुका है। सिंपल है, जो भी आपको बाय सेल करना होगा ऐसे ही कर सकते हो, इक्विटी बाय, कैश, BSE सब कुछ ये रहने वाला है, क्वांटिटी जो भी प्लेस करना होगा प्लेस कर देना, लिमिट मार्केट जो भी प्लेस करना होगा अपने हिसाब से प्लेस कर देना, प्लेस ऑर्डर सिंपल है। और यहाँ पे क्लोज करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे एक चीज और देखता हूँ क्या है। यहाँ पे देखो सेशन जो है आपका IOC है, GTT है, तो मेनली सेशन ही रखना मुझे लॉन्ग टर्म में, इसमें सिंपल है इक्विटी कैश BSE यहाँ पे करेक्ट मार्केट रखना है, सेशन ही रखना है यहाँ पे, और प्लेस ऑर्डर क्वांटिटी प्लेस कर देना। BSE पे वो सेशन दिखा रहा है, सिंपल है, NSE करूंगा मैं यहाँ पे तो आ जाएगा आपको डे, तो चीज़ें क्लियर है। सेशन मतलब होता है जब तक मार्केट ओपन रहता है आपका, मतलब 9:15 से लेके 3:30 तक, सिंपल है, वन कर देना, लिमिट जाओ मार्केट कर देना, वो डिपेंड करता है मार्केट या लिमिट जहाँ बाय करना है आपको। प्लेस ऑर्डर कन्फर्म ऑर्डर, यहाँ पे देखो ऑर्डर कन्फर्म हो चुका है, ऑर्डर बुक पे चले आओ, ऑर्डर बुक पे आने के बाद आपको दिख जाएगा ऑर्डर एग्जीक्यूटेड जो भी आपने बाय किया हुआ है। सिंपल फंडा है, यहाँ पे ऑर्डर बुक पे चले आओ, जो भी आपका है ऑर्डर एग्जीक्यूटेड क्लिक करना दिख जाएगा आपको, यहाँ पे सेगमेंट इक्विटी प्लेस कर देना, गो पे क्लिक करना,
जो भी आपने बाय किया होगा एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में दिख जाएगा। फिर से जो है आप लिमिट पे चले आओ, कैश लिमिट पे चले आओ, यहाँ पे देख लो कितना अवेलेबल फंड बच रहा है आपका, कितना आपने यूटिलाइज किया हुआ है, सब कुछ यहाँ पे दिखने वाला है। आपको एक नाइट को कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा आपके मेल आईडी पे, वो देख लेना आपका कितना पैसा डेबिट हुआ है, कहाँ आपने बाय किया, किस प्राइस पे बाय किया है, और क्या आपका ब्रोकरेज चार्ज, गवर्नमेंट चार्ज और जो भी चार्ज लगे हुए वहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो वो आप एक बार चेक कर लेना। तो ऐसे करके जो है आप अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हो, पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, यूजर नेम आप जो है फॉर्म कर सकते हो। तो आप जो है अकाउंट ओपन करने के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट कर लें, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद जो है जो भी आप ट्रेडिंग करना है, आईपीओ अप्लाई करना है, म्यूचुअल फंड अप्लाई करना है, अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपको लॉग आउट करना, तो यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हो। तो सिंपल है, ये मैंने चीज आपको बता दिया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर जाकर ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को एटीएम लगाऊंगा, वहाँ पर आकर पूछ लेना। सर सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आपको लर्निंग मेरे दिखे ज्वाइन करो। तो तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।